नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर बार चल जानते हैं आज की अहम खबरें। सितंबर के अंत तक बच्चों के लिए मौजूद होगी 1 करोड़ कोविड वैक्सीन। अक्टूबर से टीकाकरण शुरू। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को मिलेंगे इनाम। राजस्थान सरकार 5,000 रुपए और सर्टिफिकेट देगी। सरकार ने लॉन्च किया शून्य। शहरों में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही सरकार। अभियान में ई कॉमर्स कंपनियां, ओईएम, लॉजिस्टिक्स कंपनियां होगी शामिल। तो दोस्तों, इसका नाम शून्य अभियान इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज़ होगा, जिससे हमारे पॉल्यूशन नहीं होगा। इंपोर्ट ड्यूटी कम कराने का असर। सनफ्लावर पाम और सोया ऑयल हुए सस्ते, लेकिन सरसों तेल हुआ महंगा। तेल तिलनी के स्टॉक पर निगरानी के लिए बनेगा पोर्टल। राम मंदिर निर्माण के लिए आया 115 देशों का जल और 77 देशों से आना बाकी। राजनाथ सिंह बोले, इससे से करेंगे अपने रामलाल का अभिषेक। अब यूपी सरकार नहीं सिलवाएगी बच्चों के यूनिफॉर्म। 1.60 करोड़ छात्रों के खाते में भेजे जाएंगे 17 करोड़। रिटायरमेंट न्यूज़। योगी सरकार का बड़ा फैसला है, यूपी में अब डॉक्टर के रिटायरमेंट की उम्र होगी 70 वर्ष। गांधी जयंती पर छात्रवृत्ति का तोहफा देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के 1 लाख विद्यार्थियों को होगा लाभ। अधिक जानकारी आप वीडियो पर जान सकते हैं। CTET एग्जाम डेट, CBSE ने जारी की एग्जाम डेट। पूरे देश में 20 भाषाओं के आयोजित की जाएंगे परीक्षा। आवेदन के लिए आपको कुछ 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे और कुछ गाइडलाइन है तो वो आप इधर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट भी आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारे आज की खबर। जल्द मिलते हैं।